कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां पे आप लोगों को अपनी समस्या बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ अपनी डिटेल्स के माध्यम से आप लोग ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनके पीछे के कारण क्या हैं। क्योंकि दर्शकों, इस कार्यक्रम की यही सत्यता है कि यहां पे आप लोगों को सीधे सटीक जानकारी दी जाती है। अगर आप लोग अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातें जानना चाहते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो नंबर्स आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। बस इन्हीं नंबर्स पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए आज भी कार्यक्रम के यहाँ पे शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है गुरु जी आपका। जी जी, नमस्कार जी। गुरु जी कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। बिल्कुल बात। सुनीति जी है हमारे साथ उड़ीसा से, स्वागत है आपका। जय माता दी। हेलो। हाँ नमस्ते जी, बताइए जन्म तिथि बताइए। जी मेरा जन्म तिथि है 5th अक्टूबर जी 1984। समय? समय है 5:45 इवनिंग में। जन्मस्थान है उड़ीसा में बलांगीर। बलांगीर जी। जी क्या नाम है इनके? इनका नाम है सुनीति। आपकी कुंडली बनी है सुनीति जी? जी कुंडली बनी है, मम्मी पापा के पास है, मुझे नहीं पता। ये मीन लगन की कुंडली है, मकर राशि हो रखे हैं। और आपकी जो कुंडली है, इस कुंडली में सबसे पहले आपकी मैरिज बिल्कुल डिस्टर्ब बता रही है। ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होता है, विवाह हो जाता है चलने नहीं देता है। क्योंकि आपकी कुंडली जो नमांस है यहाँ पे बना हुआ है केंद्रम योग, और आपके लग्न कुंडली में ही बन रखा है ग्रहण योग, अचंडाल योग। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या आपकी विवाह अभी नहीं हुई है? जी हुई थी पर वो टूट गई। मैंने अभी क्या बोला आपको? जी जी, मैंने बोला ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होता, विवाह हो जाता तो चलने नहीं देता। दर्शकों, ये पूरे इंडिया में हमें जो लग रहा है, मैंने भी बहुत लोगों का कार्यक्रम देखा है ज्योतिषों का, आपको शायद ये सिंगल प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे कि बोलना नहीं पड़ता है। और इस प्लेटफॉर्म की नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जितने व्यक्ति हैं जो समस्याओं से परेशान हैं, किसी भी ज्योतिष से बात करें भूल कर समस्या ना बताएं। ज्योतिष वही हों जो आपकी समस्याओं को खुद पकड़ लें। और यदि मैंने सुनीति जी आपकी कुंडली को देख के कहा है कि ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होता और विवाह होता तो चलने नहीं देता, और यदि आपकी शादी टूट गई तो बुरा मत मानना, आप 2 शादी क्या 4 शादी भी कर लोगे तो आपको टिकने नहीं देगा। कब तक टिकने नहीं देगा? जब तक कि इसके अशुभ योग का हम निवारण नहीं कर लेते। कारण, हमारे पास गाड़ी तो है, उसे पेट्रोल ही नहीं है, तो गाड़ी चलेगी कैसे? चलेगी तो आपकी कुंडली में आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब बता रखा है। दूसरी ओर आपकी कुंडली में 99% जॉब बता रहा है। आपने कभी कोई जॉब वगैरह किया है क्या? जी मैंने पहले प्राइवेट में किया था, अभी गवर्नमेंट में कर रही हूँ। ये भी बात मेरी सही निकली? जी जी, मैरिज की बात भी सही, जॉब की बात भी सही। दिस हॉरोस्कोप इज द कंप्लीट फिट फॉर 99% गवर्नमेंट जॉब। लेकिन आप जॉब के लिए भी सावधान रहना, एक समय आएगा कि आपको डिपार्टमेंटल प्रोड्यूशन में फंसा देगा। कोई विभागीय कार्रवाई या कोई ऐसा साइन अप कर दोगे क्या फंस जाओगे। तो समय रहते अभी भी एक अच्छे ज्योति से मिलें, मिल करके पूरी 24 कुंडली बनवाएं, और आप कोशिश करें सुनती जी कि आपको एक शब्द बोलना नहीं पड़े। और आप देखें कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष जी पकड़ रहे हैं कि नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जब तक कुंडली नहीं बनती है निवारण नहीं होती बेटा। अब भूल करके भी विवाह मत करना,
नहीं तो एक बार फंसे हो फिर फंसोगे और टूट जाओगे आप, फिर लगेगा कि जीवन ही बेकार है। ऐसे तो कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे हाई एम्बिशियस होते हैं, आपकी सोच बहुत ऊंचे स्तर का देगा। शनि उच्च का बैठा हुआ है शुक्र के साथ, बहुत सुंदर राजयोग बना रखा है, मतलब आपकी आयु 95+, यदि सेंचुरी लगा दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा कि मैं 100 वर्ष तक रहूं लेकिन जीवन परेशानी में कष्ट में झेलता रहूं। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलो, मिलकर के पूरी कुंडली बनवा करके उपाय करो, और बिना कुंडली मिलाए भूल के शादी मत करना। आपकी कुंडली में 2019 का 22 नवंबर के आसपास फिर विवाह का योग बन रखा है, लेकिन पहले एक अच्छे ज्योतिष से मिलना, ये निर्भर आप पर करता है कि आपको किस ज्योतिष से मिलना है। लेकिन जब तक पूरी कुंडली नहीं बन जाए, इसके निवारण नहीं हो जाए, आप भूल के बेटा शादी मत करना, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। जी, सहमत हैं आप गुरुजी की बात से? जी जी। चलिए, अगर आप सहमत हैं तो जल्द से जल्द एक सफल ज्योतिषी का आपको परामर्श लेना है। देखिए, एक बार का झटका आप झेल चुकी हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आप एक सफल ज्योतिषी का परामर्श जल्द से जल्द लेंगे। और सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका का पूर्ण रूप से आकलन कराइएगा, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी ज्योतिषी का परामर्श लेंगे, भूल करके भी अपनी परेशानी बिल्कुल नहीं बतानी है। देखिए दर्शकों, अगर आप लोग परेशानी बता देंगे तो आप ये कैसे समझ पाएंगे कि आप जिस भी ज्योतिषी का परामर्श ले रहे हैं, वो जो उपाय आपको बताएंगे वो आपको लाभ देंगे या फिर नहीं देंगे। और इस कार्यक्रम की यही सत्यता है कि यहाँ पे आप लोगों की बिना परेशानी बताए गुरुजी आपको बता देते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही हैं उनके पीछे के कारण क्या हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में दोस्तों क्या है कि कभी कभी मुझे भी लगता है, जब लोग व्यक्ति जब कॉल आते मेरे पास या जब सुबह की कॉल होती है, जब मैं देखता कि काफ़ी परेशान है, तो लगता है दिल से आवाज़ उठती कि काश वो एक बार मिल लिया होता। क्योंकि हमारे पास ऐसे व्यक्ति प्रायः ज़्यादा आते हैं जो कि 10 ज्योतिष से 15 ज्योतिष से 20 ज्योतिष से दिखा चुके होते हैं और पूरी फाइल की फाइल लेकर के आते हैं। हमें बाद में कुछ लोग कहते हैं, गुरुजी आप तो हमेशा कार्यक्रम में कहते हैं कि किसी अच्छे ज्योतिष से मिलो, तो क्या मैं आपसे नहीं मिल सकता? तो मैंने कहाँ मना किया है, मेरा तो काम ही वही है। लेकिन मैं ये दिल से नहीं चाहता कि मैं आपको बुलाऊँ, आपको भी बाध्य करूँ कि आप मेरे पास ही आओ। बाद बाकी निर्णय आपका है, यदि आपकी श्रद्धा है मिलने का तो आपको सौहृदय हमारे यहाँ आमंत्रण है, आप आराम से आएँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात मैं फिर बता दूं कि दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। आज दर्शकों को लगता है कि शिवानंद जी का फीस 11,000 है, इसके पीछे भी बहुत कारण है। क्योंकि हम आपके साथ गलत चीज़ करके पैसे लेना नहीं चाहते, इसलिए फीस हमारे ज़्यादा है। इसके बावजूद भी हम ऐसे लोग को निमंत्रण देते हैं कि जो वास्तव में गरीब हैं और वो परेशानी में फंसे हुए हैं। ऐसे तो पूरे इंडिया में सभी कहते हैं गरीब हैं। मुकेश अंबानी से बात करोगे ना, वो भी कहेगा हम गरीब हैं, कोई अमीर है ही नहीं, सब गरीब हैं। लेकिन जो वास्तविक में परेशानी में है और उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति को हम खुला निमंत्रण देते हैं, नो फीस। और साथ साथ आपके विधि के साथ साथ मैं रत्न भी देने का प्रयास करूँगा, ये मेरा अपना मानना है। बस आवश्यकता है आप वास्तव में मजबूरी में हो, और ये आपकी कुंडली बता देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको मिलना पड़ेगा तो आपको 11,000 फीस दे के ही आना पड़ेगा हमारे यहाँ। बाद बाकी मैं जो कुंडली देख लूँगा, मुझे लगेगा तो आपके 11 का 11 मैं वापस कर दूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। उमा जी हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जय माता दी। हाँ जय माता की गुरु जी। जी जय। बताइए जन्म तिथि बताइए। 11 मई। 11 मई। 11 मई जी। 11 मई 1988। समय? हेलो जी। समय टाइम है 12:28 AM। 12:28 AM। हाँ जी। मिडनाइट दिन का है जी। हाँ जी। अब AM कर रहे हैं फिर 12:28 कर रहे हैं, तो 12:28 तो PM हो जाएगा। PM नहीं, 11:28। 11:28 ओके। हाँ जी। 11:28 बर्थ प्लेस? दिल्ली। क्या नाम ये है? किसकी डिटेल्स है? बेटे की है जी। उनका नाम? नाम है ध्रुव जी। ध्रुव। आपने कुंडली बनाया है इसका? हाँ जी। ये प्रबल मांगलिक है, इनकी कुंडली कर्क लग, हाँ कर्क लगन की है, और राशि जो इनके हो रखे हैं वो कुंभ राशि। हाँ। आपके पास जन्म पत्री है? हाँ जी। आप बुरा मत मानना मेरी बातों को, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, थोड़ा खरा भी बोलता हूँ, खरा भी बोलता हूँ, दोनों बात है। आपके बच्चे का कभी भी सुसाइडल टेंडेंसी हो जाएगा। हाँ जी। आपके बच्चे की कभी भी कोई आकस्मिक घटना घट सकती है जीवन में इनका,
ये बच्चे चल जाएंगे डिप्रेशन में, इनको लगेगा मैं सुसाइड कर लूँ या कोई घटना घट जाएगी। बुरा मत माना मेरी बातों को। क्यों मैंने कहा, इनके अष्टम घर जहाँ से हम आयु देखते हैं, अष्टम घर में ऐसे भी चंद्रमा ग्रहना शुभ नहीं माना जाता है, और इनके अष्टम घर में चंद्रमा शनि के घर में बैठा हुआ है और राहु के साथ ग्रहण योग लगा दिया, अर्थात इनके आयु पर ग्रहण लगा दिया। अब बिल्कुल सावधान हो जाओ, और साथ साथ इस कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। ऐसे बच्चे UPSC मारे तो वहाँ भी क्लियर, लेकिन कर्क लग्न की कुंडली, लग्न का मालिक चंद्रमा, चंद्रमा से बन गए ग्रहण जो, तो किसी के घर के मालिक को यदि पैरालिसिस मार दे, लकवा मार दे, तो घर कैसा होगा, कमजोर हो जाएगा। किसी घर का मालिक सब्जी बेचता हो, किसी घर का मालिक चाय बेचता हो, किसी घर का मालिक पानी पूरी बेचता हो, तो स्वाभाविक है घर कमजोर होता है। और किसी घर का मालिक मंत्री हो, IAS हो, IPS हो, बड़े बिजनेसमैन हो, तो घर मजबूत होता है। तो आपके बच्चे की कुंडली में लग्न का मालिक ही चंद्रमा है, जो कि राहु के साथ ग्रहण योग लगा दिया। बच्चे का हेल्थ, बच्चे का करियर, बच्चे का मैरिज लाइफ, बच्चे की आयु, सब को सब सीधे धो दिया। जबकि इनकी कुंडली में 10th हाउस में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है गुरु के साथ, 99% गवर्नमेंट जॉब। ऐसे बच्चे UPSC मारे तो वहाँ भी निकल जाएगा, लेकिन जब तक आप निवारण नहीं करोगे, इस बच्चे को कोई चीज़ का रास्ता नहीं देगा। इनकी करियर, मैरिज और आयु तीनों का तीनों फंसा हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके इसकी उपाय कराएं, और उपाय करके तब इसका रास्ता लें। थोड़ा हम बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। तो इनकी कुंडली के अनुसार मार्च 16 से लेकर के और मई 22 तक समय बिल्कुल ख़राब है। 3 साल 2 महीना और समय खराब है। आप उपाय नहीं किए तो हमें पूरा विश्वास है कि बच्चे धीरे धीरे चले जाएंगे डिप्रेशन में और आप फंस जाएंगे। जी, सहमत हैं आप गुरुजी की बात से? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अगर आप सहमत हैं तो बहुत यहाँ पे अच्छी बातें भी गुरुजी ने बताई हैं, लेकिन कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी हैं, और जो उपाय आपको कराने हैं वो भी एक सफल ज्योतिषी से आपको कराने हैं, जिन्हें आपको परेशानी बिल्कुल नहीं बतानी है। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने लगातार फ्लैश की जा रही हैं। जैसे कि गुरुजी, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ज़्यादातर जो कॉल्स आती हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर ही करते हैं जी, और हम देखते हैं कि कभी बच्चों की जन्म पत्रिका नहीं होती है, कभी सिर्फ उपाय तो सुन लेते हैं और उपाय करके उनको लाभ नहीं मिलता है, और कई दर्शकों की तो शिकायत होती है कि आप प्रोग्राम में उपाय नहीं बताते हैं। संजय जी, उपाय नहीं बताने का बहुत बड़ी कारण है मेरे साथ, क्योंकि वास्तविकता क्या होता है दर्शकों, कि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली बनता है, और मैं चाहता हूँ कि जब तक पूरा कुंडली नहीं बन जाए, पूरी विश्लेषण नहीं हो जाए, तब तक आप ट्रीटमेंट ना लें। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, मैं देखता हूँ कि 98%, ये बात आपको भी पता होगा, 98% हमारे साथी लोग क्या करते हैं कि आपका उम्र 50 साल है, आपका उम्र 60 किलो है, तो आपको कहेंगे कि इतना रत्ती का पत्थर पहन लो, रत्न पहन लो। दर्शकों, आप ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी व्यक्ति की उम्र से या व्यक्ति के वजन से रत्न का चयन नहीं होता। वजन का, रत्न का जो चयन होता है वो ग्रहों की उम्र से होता है, ग्रहों की डिग्री से होता है। यहाँ पर लोग मार खाते हैं और आपको लाभ नहीं मिलता है। व्यक्ति की उम्र से और व्यक्ति के वजन से जो चयन होता है वो मेडिसिन का, जैसे बच्चे छोटे हैं 50 मिलीग्राम, बड़े हैं 100 मिलीग्राम, और बड़े हैं 250 मिलीग्राम, और बड़े हैं 500 मिलीग्राम, ये मेडिसिन का चयन होता है, जेम्स का नहीं होता। और छोटी छोटी कारणों से व्यक्ति परेशान हो जाते हैं और उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में ज्योतिषीय परामर्श, ज्योतिषीय निवारण बिल्कुल आवश्यक है। मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा है कार्यक्रम में कि व्यक्ति अपने जीवन को तभी संवार सकता है जब आने वाला भविष्य की जानकारी आपको पूर्व से हो, और आप अपने प्रतिकूल समय को अनुकूल बना सके। और इसके सहायक कौन होंगे आपके? एक अच्छे ज्योतिष होंगे। तो जो व्यक्ति कष्ट में है उनके लिए तो आवश्यक है ही, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सुखमय जीवन में जी रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा आवश्यकता है। वो क्यों? कि आप अभी सुखमय जीवन में हैं, कब झटका मार देगा, कब पटक देगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक अच्छे ज्योतिषी आपके साथ रहते हैं तो आपको बीच बीच में गाइड करते रहते हैं कि आपके कब बुरे समय आने वाले हैं, और उसका उपाय करके आप निकल जाओ जो आपको महसूस नहीं होने देगा। तो हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है। बिल्कुल गुरुजी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। सुनीता जी हैं भोपाल से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जय माता दी। जी जय माता दी। गुरुजी जी, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है सार्थक बिंदल।
जी और उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 2002, समय 11:45 सुबह का, और जन्म स्थल है भोपाल, मध्य प्रदेश। जी लाइन पे रहिएगा। क्या नाम बचेगा? सार्थक। सार्थक बिंदल। बहुत बढ़िया नाम रखा आपने, सार्थक। इस बच्चे का हर काम सार्थक में ही जाएगा। ये सिंह लग्न की कुंडली है, राशि इनकी कुंभ राशि है, इनकी पत्री बनी है? हाँ जी पत्री बनवा रखी है। अभी है आपके पास? अभी सामने तो नहीं है। नहीं है तो आप एक चीज को ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, इनके चंद्रमा जो है देखना कुंडली में कि चंद्रमा कहाँ पर है। इनके चंद्रमा 11 नंबर में है और आगे और पीछे दोनों का दोनों गोल खाली है। इसी को कहते हैं केमद्रुम योग, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। जबकि इनके 10th हाउस में बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है, लेकिन ये सारे राजयोग को खत्म कर देगा वो एकमात्र केमद्रुम योग। और 9 मास कुंडली में इनके बने हैं शनि राहु का पितृदोष और नीचे से पाप कर्तरी दोष। तो 9 मास की तो अभी बात इसलिए नहीं करेंगे कि विवाह में इनके अभी समय है, छोटे बच्चे हैं, अभी इनको आवश्यकता है एजुकेशन का और करियर का। तो ये जो कुंडली बन रखी है चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली, चंद्रमा कंसंट्रेशन देता है, मेमोरी का काम करता है वो, ऐसे बच्चे का लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और ऐसे बच्चे हमेशा डालमा में रहेंगे, कन्फ्यूज करेंगे, और इनकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी स्टडी के बेस को खराब करते चला जाएगा। कारण कि सिंह लग्न की कुंडली है, लग्न का मालिक सूर्य हो रहा है, सूर्य भी इनके राहु के साथ बैठे हुए हैं, और जैसे ही सूर्य राहु एक साथ मिल जाते तो लग जाता ग्रहण योग। तो अभी मैंने समझाया था कि किसी के घर के मालिक को लकवा मार दें तो घर कैसा होगा, तो इनकी भी कुंडली में लग्न का मालिक सूर्य है जो ग्रहण योग लगा दिया और सप्तम घर से केमद्रुम योग बना हुआ है। तो बच्चे का पहले एजुकेशन फिर कैरियर, उपाय नहीं करोगे तो आने वाला समय में मैरिज, तीनों का तीनों डिटर्जेंट साबुन से धो देगा। अब आपका निर्भर करता है आप पे, आप इसके कैसे कुंडली दिखाते हैं और कैसे रास्ते बनाते हैं। दर्शकों कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता, कुंडली बनाने वाले कैसे होते हैं वो बड़ी बात होती है। और जिनके पास भी कुंडली है, जिनको फोन लगा हो नहीं लगा हो, अपनी अपनी कुंडली खोल करके देखे कम से कम कि आपके पास ये 24 कुंडली है कि नहीं, और यदि 2-4 कुंडली भी हैं तो निगेटिव ये चीज़ निकाला हुआ है कि खाली अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और अच्छी अच्छी बातें सुनते सुनते अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, पूरी उम्र निकल जाती लोगों को। तो आप इस बच्चे की पूरी 24 कुंडली बना करके निवारण करवा लें, अन्यथा बच्चे का स्थिति बहुत कमजोर बना हुआ है। जी सहमत हैं आप गुरु जी की बात से? जी सहमत हूँ। मुझ हाँ जी अभी प्रिपेयर कर रहा है तो क्या रहेगा इसका? जी IIT JEE। हेलो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, कैसा रहेगा इसका करियर, किस फील्ड में रहेगा? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके लिए मैंने कहा ना कि हम 24 कुंडली बनाते हैं तभी बताएंगे डिटेल। हम 2 मिनट के अंतराल में इसे ज़्यादा नहीं बता सकते, अन्ना हम किसी को निवारण दे पाते हैं। हमसे यदि गाइड लेना है तो आपको फीस जमा करके एक बार मिलना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो चलिए जिन कॉलर्स का यहाँ पे कॉल नहीं लग पाता है वो अगली सुबह 9 से 10 के बीच गुरुजी से बात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे बेहद खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। चलिए दर्शकों कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जय माता दी। रवि जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, बताइए जन्म तिथि बताइए। मैडम जन्म तिथि है 28 जुलाई 1991। समय? समय 10:05 रात को। जन्म स्थान है श्री महावीर जी। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में है मैडम। आप जिले का नाम बताएं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट करौली है। करौली जी। हमेशा आप डिस्ट्रिक्ट बताने का प्रयास करें,
तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गांव गांव आता नहीं इस पर। क्या नाम है इनके जी? इनका नाम है रवि। रवि, रवि जी आपकी जन्मपत्री बनी है? नहीं नहीं बनी सर। रवि, अब कब बनाओगे? 1991 का जन्म है। आप पापा मम्मी से बात करके पहले जन्मपत्री बनाओ बेटा। इसको कभी नजरअंदाज मत करो, आपकी पूरी लाइफ खराब कर देगा। इस कुंडली से आपको 99% गवर्नमेंट जो मांग रहा है, लेकिन आप तैयारी करते रहोगे बेटा, लाभ नहीं देगा आपको। इसका मुख्य कारण क्या हो रखा है कि आपके दशमांश कुंडली में केमद्रुम योग और चतुर्विशांश कुंडली में बना हुआ है ग्रहण योग और बीज दोष, जबकि आपके लग्न कुंडली जो मुख्य कुंडली है इसमें कोई भी बुरा योग नहीं बना हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको सावधान कर दूँ कि आने वाला समय में दो चीज़ से बचना जो इंडिकेशन दे रहा है, वो पहला है गर्लफ्रेंड। बुरा मत मानना मेरी बातों को, आपके 10th हाउस में राहु नीच का बैठा हुआ है, तो मैंने देखा है अनुभव में कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में लड़की रहा तो लड़का, लड़का रहा तो लड़की, कोई ना कोई आ जाते और पूरा लाइफ डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो आपकी कुंडली में 10th हाउस करियर का भी होता है, आपके करियर के घर में राहु नीच का बैठा हुआ है, वो भी परेशान करेगा। कहीं केमद्रुम योग, कहीं बीज दोष, कहीं चंडाल दोष बना है, ये भी परेशान करेगा। लेकिन कुंडली की सत्यता है कि कुंडली कह रहा है कि ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब ही होना चाहिए, और वो भी कहाँ, सिविलियन, बहुत टॉप की जॉब। बस आवश्यकता है एक बार उपाय करने की। आप तैयारी करते रहोगे, निवारण नहीं करोगे तो आपको लाभ मिलने नहीं देगा। थोड़ा बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है, कितनी मजे की बात। मिल लगन की कुंडली, लगन का मालिक गुरु, गुरु का दशा जा रहा है, तब भी आप परेशान हो। 2011 का सितंबर से आपकी जिंदगी का टॉप टाइम जा रहा है, लेकिन कुछ अशुभ योग आपको टॉप टाइम का लाभ मिलने नहीं दे रहा है। और ख़ास करके कुंडली कह रहा है कि 2017 से आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो मार्च 2022 तक रहेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है, करना क्या है। तो पापा मम्मी से आप बात करके पूरी कुंडली बनवा करके जो समस्या है इसकी उपाय करो। और मेरा कहने का विचार है, इसमें मेरा अपना विचार है, ऐसे बच्चों को एक बार PCS या UPSC की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी, ये मेरा अपना विश्वास है। बस आवश्यकता है इसकी निवारण करने की, पूरी कुंडली बनाने की। जी, सहमत हैं आप गुरुजी की बात से? जी बात। चलिए, अगर आप सहमत हैं तो देखिए, अच्छी बातें भी गुरुजी यहाँ पे बताते हैं, लेकिन जो बातें ज़रूरी होती हैं आपके लिए जानना, वो बातें सबसे पहले गुरुजी आपको बताते हैं। और दो मिनट में जन्म पत्रिका का आंकड़ा दर्शकों नहीं हो पाता है, इसलिए ही गुरुजी आप लोगों को यहाँ पे उपाय नहीं बताते हैं, उसके लिए मिलना होता है या फिर आप लोग एक सफल ज्योतिषी का परामर्श ले सकते हैं। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने लगातार फ्लैश की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मीना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। हाँ जी, उनकी जन्म तिथि बताइए। हाँ, 19 दिसंबर जी 1998। समय 10:41 सुबह का। जन्म स्थान है भोपाल और नाम है उन्नति। उन्नति, कितना प्यारा सा नाम है शैलजा जी। जी बिल्कुल, उन्नति। दुर्गा माता करे कि ऐसे बच्चों के जीवन में उन्नति उन्नति ही रहे, बहुत अच्छा नाम। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नाम का बच्चे के जीवन पर असर पड़ता है, कहीं कोई दो राय नहीं है। आप एक चीज बताइए कि इनकी आपने जन्म पत्री बनाई है? जी जी बनाई हुई है, लेकिन मुझे मतलब ऐसी है, नहीं, प्लीज आप सुनने का प्रयास कीजिए। इनकी जन्म पत्री आपने बच्चे का जन्म होने के साथ बनाई थी या बाद में? होने के साथ ही जो बनाते हैं ना वो बनाए। तो इनका जन्म गंडमूल में हुआ था, गंडमूल की पूजा कराया था आपने? हाँ जी, वो करवाई थी। बहुत अच्छा किया आपने। अब हम चलते हैं इस कुंडली के बारे में कि कुंडली क्या कह रहा है। कुंभ लगन की कुंडली और राशि इनके जो हो रखे हैं वो धनु राशि। सबसे पहले सप्तम भाव से क्या देखते हैं, वैवाहिक जीवन, विवाह देखते हैं। सप्तम घर से ही इनके बने हैं पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग का मतलब होता है, कर्तरी मीन्स कैंची और पाप मतलब पाप ग्रह। तो इस बच्ची की कुंडली में छठे घर में राहु और अष्टम घर में मंगल बैठा हुआ है, तो मांगलिक तो है ही, लेकिन मांगलिक से विशेष जो अशुभ बन रखा है वो है इनके पाप कर्तरी योग का बनना। और 10th हाउस में बुध बैठ करके ऐसे बच्चों को भद्र योग बना देता। तो कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, 99 not 90%। लेकिन इनकी प्रॉब्लम भी जो है उसी तरह से बन रखे हैं। इनके लग्न के सप्तम घर से पाप कर्तरी योग, एक चीज़ तो ध्यान रखना, जब तक पूरी कुंडली नहीं बन जाती है निवारण नहीं हो जाता। 98 का जन्म है, विशेष उम्र नहीं हुआ है, 21 साल उम्र हुआ है,
लेकिन जब भी आप शादी करोगे बच्चे का तो पूरी कुंडली बनवा करके, अन्यथा ऐसे बच्चे की मैरिज लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर देगा। ये मेरा अपना कटु अनुभव है। दूसरी बात, हम इनकी करियर की बात करते हैं तो ऐसे बच्चे MBA करते बैंकिंग तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब लगने की संभावना बनी हुई है। टेक्निकल हैंड का भी जो है, लेकिन टेक्निकल में भी करने के बाद ऐसे बच्चे MBA करते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर इनका दशा क्या जा रखा है। और जो सबसे बड़ी मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को आप बढ़िया से नोट कर लेना। इनकी कुंडली में लग्न जो है वो 0 डिग्री में है। ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ होता है, ज्योतिषी कोई आसान चीज़ नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं डॉक्टरी पढ़ाना वो भी इसके सामने में बौना है। तो इनके जन्म जो है 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब होता है हम 1 मिनट इसका टाइम नीचे कर देंगे, कुंडली जो है कुंभ लगन से मकर लगन की हो जाएगी, सारी कहानी पलट जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात है, यदि इस बच्चे का जन्म 10-40 का होगा फिर कुछ नहीं मिलेगा। आपने 41 बोला है, बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो, 1 मिनट 2 मिनट घड़ी को आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों को हस्तरेखा भी देखनी चाहिए, उनकी हाइट, उनकी फिजिकल, उनका नेचर, सब चीज़ को मिलाते हुए हम ये पहले एक्यूरेट करेंगे कि इनका जन्म 10-40 का है कि 10-41 का है। दैट इज द बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट। तो ये जो कुंडली बन रखी है, मैंने कहा कि आपको 99% गवर्नमेंट जॉब देगा, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है इनकी कैरियर और आने वाला समय में मैरिज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। समय देखते हैं तो यदि कुंभ लगन की कुंडली है तो कुंभ लगन की कुंडली में शुक्र में शनि जा रहा है और अभी वर्तमान शुक्र में बुध जा रहा है, जो कि दिस इज द गोल्डन टाइम। ये व्यक्ति के बच्चों के जीवन का टॉप टाइम होता है और उसके बावजूद भी आपको फ़ोन करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो निगेटिव जो है ना वो सक्रिय हो रखे हैं, इनको अच्छे दशा का भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो जब अच्छे दशा का लाभ नहीं मिलेगा तो जब बुरा समय आएगा तो लाभ कैसे देगा। तो आप क्या करें, एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके ऐसा जगह कुंडली बनाएं जहाँ की पूरी 24 कुंडली बनती हो, और 24 कुंडली जब बन जाए तो जहाँ जो समस्या है उसके हम निवारण करवा दें। दर्शकों, मैंने कई बार कहा है हम बच्चों की पढ़ाई में 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं। जब पढ़ाई डिस्टर्ब होता, करियर डिस्टर्ब होते, बच्चे भी परेशान और हम भी परेशान। हम बच्चों की विवाह कर देते, जब तक विवाह नहीं होती है तो वो समस्या, विवाह हो गई टेंशन शुरू हुआ, डाइवर्स की नौबत आई तो दूसरी समस्या। तो क्यों नहीं हम पहले ही समस्या को समाधान करके आगे बढ़े जो परेशानी ना हो। तो आप अच्छे ज्योतिष से मिल करके इसके उपाय कर लें, उपाय करके आगे बढ़े। बच्ची कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन कुछ योग ऐसा है जो डिस्टर्ब कर रखा है। बिल्कुल सहमत है आप गुरु जी की बात से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी सहमत। शैलजा जी बहुत अच्छी चीजें हैं, मुझे लगता है, जबकि मैं हर प्रोग्राम में करने का प्रयास करता हूँ कि कुछ मिसिंग होता है हमें बताएं। हाँ जी, फिर भी हमारे दर्शक कहते हैं कि 100% सही है, सही है। चलिए, मुझे बहुत खुशी होती है, माता जी का आशीर्वाद है मेरे साथ, मुझे विश्वास हो रहा है और इसी आशीर्वाद को हम आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो आशीर्वाद किस किसके किस्मत में है। चलिए, तो दर्शकों फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। गुरुजी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों को शुभरात्रि, जय माता दी। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।